हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार आई होप आप लोग इन वीडियो लेक्चर्स को, वीडियो सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख रहे हो, बहुत ही सीरियसली इसको ले रहे हो, बहुत ही डिसिप्लिन वे में इसको देख रहे हो। और अगर देख रहे हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है यार इससे तो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, अच्छा समझ में आ रहा है, तो यार प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। इसका रीज़न ये है क्योंकि यार देखो मैं अपना बताता हूँ, मैं ना मेरी एक वो आदत थी, मेरी आदत ये थी कि जब मैं अच्छा पढ़ता था ना, ठीक है, या फिर मेरे को कोई क्वेश्चन आता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं अपने फ्रेंड्स तक उसको पहुँचाऊँ या फ्रेंड्स क्या पूरे क्लासमेट तक उसको पहुँचाऊँ। क्योंकि ना उससे क्या होता है, मेरी अच्छी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है, साथ में ना थोड़ा सा ना एक मतलब बोलते हैं कि यार दुआएँ भी मिलती हैं। तो यार दुआ कलेक्ट करना भी लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेहनत करना। तो ये बात याद रखना, अगर आप किसी के मदद के लायक बनाए गए हो तो कृपया करके मदद करो। और अगर आप इस चैनल तक पहुंच गए और इस वीडियो तक पहुंच गए तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। चलिए तो आज के हमारे कंसेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ये चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये बस खत्म होने वाला है, मतलब दो तीन क्लास की बात हो रहा है और दो तीन कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर उन्हीं में से बनता है वो आने वाले हैं नेक्स्ट आपकी क्लासेस में। लेकिन 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 ये पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है ना यार, ये आपको आगे वाले चैप्टर्स में बहुत काम आने वाला है। मतलब लिटरली आगे आप चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब में तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ही बनेगा। और जो बच्चा इस लेवल पे, इस स्टेज पे अच्छे से नहीं सीख के जाएगा ना तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर वो रटता ही रह जाएगा। और एक पॉइंट इधर से उधर हो गया ना क्वेश्चन में तो बस फिर आपके जो मार्क्स भी है ना, या फिर मैं बोलूँ आपका जो रिपोर्ट कार्ड का जो स्टेटस होगा ना, वो भी इधर से इधर हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ये गलती मत करो, इसको ध्यान से समझ लो। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं हमारे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। किसकी? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें आप पढ़ के आ रहे हो कि यार बिजनेस और ओनर दो अलग बंदे होते हैं और जितना भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और ओनर जितना भी पैसा लगाता है बिजनेस पे वो उसके लिए एक लाइबिलिटी होती है जिसको आप कैपिटल बोलते हो। दैट मींस बिजनेस अलग से इसको नोट करता है अपनी बुक्स में जिसको आप कैपिटल अकाउंट से नाम देते हो। तो ये सारा सीन होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का। यही सेम आप अपना क्लास 11th में कोई कैपिटल अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में आता होगा ना, बस वैसा ही कुछ सीन है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा सीन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है अगर हम क्लास 11th से कंपेयर करें, क्योंकि क्लास 11th में तो सिंपल था यार, कैपिटल थी वो बैलेंस शीट में डालते थे, प्रॉफिट और लॉस और कोई ड्रॉइंग्स होती थी उसी में माइनस करते थे, बैलेंस शीट में काम खत्म होता रहा। इसे हमें इस बार हमें अलग से पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम देख के आ रहे हैं यार कितनी सारी अप्रोप्रिएशंस होती हैं। तो वो सिर्फ हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में करेंगे तो कितना ज्यादा मतलब मैसी लगेगा वो चीज। तो मेक श्योर कि यार हम इसको अच्छे से समझें, ठीक है, ताकि हमारी बैलेंस शीट प्रॉपरली प्रेजेंट हो। तो यार सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना वो दो मेथड से मेंटेन होता है। एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपका बैंक अकाउंट है जो आप कुछ पैसा डालकर स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि यार मेरे बैंक में ना हमेशा वो बैंक अकाउंट में वो बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जितना मेरा एक्चुअल पैसा उसमें पड़ा हुआ है। क्योंकि उस पर और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप कुछ और पैसा डालते हो, कभी उसमें से निकालते हो, कभी बैंक आपको उसके बैलेंस पे इंटरेस्ट देता है, कभी बैंक चार्जेस काटता है। ये सारी ट्रांजेक्शन मेनली आपकी होती हैं अपार्ट फ्रॉम जो आप ट्रांसफर करते हो, उसकी बातें नहीं कर रहा अभी मैं। तो आप चाहते हो कि यार मेरा जो पैसा है ना एक्चुअल कितना पैसा पड़ा हुआ, मतलब जो मैंने एक्चुअली में डाला था और बीच में निकाला या ये वो एक्सेट्रा, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए मेरे बैंक में। और उसके अलावा जो बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट मेरे और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है वो अलग से किसी दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में वो मेरा कमाया हुआ पैसा बट वो मेरा एक्चुअल डाला हुआ पैसा नहीं है या निकाला हुआ पैसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहते हो कि यार वो अलग से रिप्रेजेंट हो, क्योंकि यार एक वो हिसाब भी तो रखना है ना कि यार मेरा कितना है और ऊपर से मैंने उस पर कितना कमाया। तो बस इसी मेथड का नाम होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। देखो नाम से समझ आ जाएगा, फिक्स मतलब एक अकाउंट जो है वो फिक्स रहेगा उतने अमाउंट से जितना आपका एक्चुअल में पड़ा हुआ है, और जो दूसरा अकाउंट है वो सारी अप्रोप्रिएशंस के लिए होगा जो बिजनेस और पार्टनर के बीच में होती हैं, ठीक है।
तो फिक्स्ड अकाउंट मेथड में, इन दिस मेथड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर रिमेन्स सेम और फिक्स्ड एंड इट चेंजेस ओनली व्हेन द पार्टनर हिमसेल्फ इंट्रोड्यूसेस द कैपिटल और विड्रॉज अगेंस्ट कैपिटल. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करेगा तभी इसमें से माइनस होगा. इसके अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक होता है आपका कैपिटल एंड दूसरा होता है करंट. अब कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल में गिनती की तीन ट्रांजैक्शन आती है, एक अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर आप इसको ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हो, उसके बाद एडिशनल कैपिटल जो और लेकर आएगा, माइनस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, माइनस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. और जो करंट अकाउंट है उसमें सारी अप्रोप्रिएशंस चली जाएंगी, प्रॉफिट शेयर, लॉस शेयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सारी, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शंस, उसके अलावा जितनी ट्रांजेक्शन है बिजनेस और पार्टनर के बीच में वो सारी वहां चली, माइंड यू बिजनेस और पार्टनर के बीच में, ठीक है. ऑल ट्रांजेक्शन विच इंक्रीज द कैपिटल आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ये बात याद रखिए. देखो कैपिटल अल्टीमेटली क्या है, हमने डिस्कस किया कैपिटल अल्टीमेटली क्या है, एक लाइबिलिटी है. तो जब भी बिजनेस ने पार्टनर को कुछ देना है तो वो कैश छोड़ना देगा, वो तो उसकी कैपिटल बढ़ा देगा, मतलब लाइबिलिटी बढ़ा देगा, लाइबिलिटी बढ़ाना मतलब क्रेडिट करना, तो उसकी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा. और यही जो भी बिजनेस ने पार्टनर से लेना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने पार्टनर से लेना होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उससे पैसा थोड़ा ना लेगा, वो उसकी कैपिटल में मतलब करंट अकाउंट में इस केस में कम कर देगा. और लाइबिलिटी को कम करना मतलब डेबिट, तो डेबिट साइड पे आपका रिकॉर्ड हो गया. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, आपको सारी गेम समझ में आ रही है कि यार ये हम बात किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है. मूविंग ऑन टू फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, तो इसमें दो अकाउंट आपके सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट. पार्टनर्स कैपिटल में ज़्यादातर में एंट्रीज नहीं आएंगी, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, और कहीं आधी बार क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल की भी इन्फॉर्मेशन दी होती है और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की भी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है. दैट्स इट. आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस, लाइबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, ये रहा, और लेकर आया हमारे ऊपर लाइबिलिटी बड़ी, क्रेडिट हो गया, लेकर गया कम हो गई, डेबिट हो गया, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियस सी बात है ऑपोजिट साइड. और यही अगर हम बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो इसका ओपनिंग यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कई बार क्या होता है लॉस शेयर इतना आ गया कि पार्टनर को देने के बजाय उससे लेने वाला अमाउंट बन जाता है, तो फिर वो ओपनिंग बैलेंस हमारा एसेट बन जाएगा, तो एसेट का डेबिट बैलेंस, अदरवाइज देने वाला हुआ लाइबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस. जो जो चीजें उसे देनी है, आईओसी, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो ये सारा आप देख सकते हो क्रेडिट साइड है क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. और यही अगर हम बात कर रहे हैं जो उससे हमें देना है, मतलब वो ड्रॉइंग्स करके ले गया तो उसकी कैपिटल कम करेंगे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया उससे लेना है, उसकी कैपिटल कम करेंगे. लॉस शेयर उससे लेना है, और अगेन इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इधर भी आ सकता है एंड इधर भी आ सकता है, मतलब यहाँ पर भी सी डी आ सकता है. तो ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं एम सी क्यू में कि क्रेडिट साइड जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस सिर्फ क्रेडिट ही हो सकता है, उसका डेबिट बैलेंस नहीं, या तो क्रेडिट या तो जीरो. जीरो भी कहाँ ही होगा, मतलब पूरी कैपिटल ही ले गया, फिर वो पार्टनर की वो एग्जिस्टेंस, द बेयर एग्जिस्टेंस, अनलेस एंड अनटिल वो एक्टिव पार्टनर है. और जो करंट अकाउंट है उस केस में आपका क्रेडिट एंड डेबिट दोनों आ सकता है. मूविंग ऑन टू द टाइम टेबल. भैया अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं किया, प्लीज़ यार, प्लीज़, मतलब विनती है मेरी, विनती, विनती वर्ड देख रहे हो, विनती में ही इतनी वो छुपी होती है, इमोशन छुपे होते हैं, तो विनती है यार ये चीज़, प्लीज़ डिसिप्लिन से. अभी तक तो आपको पता चल गया वन एंड हाफ वीक अबाउट 2 वीक्स होने वाले आपकी क्लासेस को, तो यार अक्टूबर तक अगर सिलेबस ख़त्म करना है ना, और लिटरली ख़त्म करना है, तो यार इसको कर लो प्लीज़. और एडुकैप्टन जो आपका एप्लीकेशन, अगर वो भी डाउनलोड नहीं करा तो ये भी कर लो यार. मतलब अब तो मेरे को बार बार बोलते भी ना वो हो रहा है कि यार बच्चे घर क्यों नहीं रहे हैं यार, इनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं, उसके अलावा डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट उस पर डाल रहे हैं, और उसके बावजूद बच्चे यार पता नहीं कहाँ सीरियस क्यों नहीं हो रहे हो यार. तुम पढ़ लो मेरे भाई, ये बारिश है, ये मौसम वौसम सब आता जाता रहेगा. डू नॉट लेट योर एनवायरमेंट अफेक्ट यू, ठीक है जी. चलिए मूविंग ऑन टू फ्लक्चुएटिंग मेथड. अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है कि यार कुछ कहते हैं कि यार, जैसे बैंक अकाउंट का एग्जांपल दिया था, और कुछ अकाउंट होल्डर कहेंगे कि यार मुझे इतनी झंझट नहीं चाहिए, दो दो अकाउंट किस में कितना बैलेंस है, ये वो मैं क्या देखूं, ये वो मेरे को नहीं देखना, मेरा एक्चुअल पैसा कितना इन्वेस्टेड है, ऊपर से अप्रोप्रिएशन से कितना हुआ, ये वो एक्सेट्रा, मुझे एक ही अकाउंट बनाओ, मुझे झंझट में जाना ही नहीं है. तो इसमें आपने जो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल और करंट अकाउंट बनाया ना, आप उसको क्लब करके एक ही अकाउंट बना देते हो जिसको आप बोलते हो कैपिटल. जितनी भी ट्रांजेक्शन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैपिटल आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, अदरवाइज ऑन डेबिट साइड, है सिंपल एज दैट.
तो अगेन इसका भी बैलेंस बीडी डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि अब इसमें लॉस शेयर, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वो कई बारी जो है एक्सीड कर जाती है हद से ज्यादा और वो माइनस वाली आइटम है, तो इसलिए डेबिट बैलेंस आ जाता है। उसके अलावा वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट उसने वो करा कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस शेयर, प्रॉफिट शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी अकाउंट, कमीशन, मतलब ये सारे लॉजिक्स मैंने आपको पीछे बता दिए। बस इसमें क्या हो रहा है, उन दोनों अकाउंट्स को एक तरीके से समझो सपोज करो ये मेरे हाथ में, वो ऐसे होता नहीं है वो अवेंजर्स मूवी में सारा हाथों में हवा में ही चल रहा होता है उनका सारा स्क्रीन व्रीन, और तो समझो मेरे हाथ में यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर करंट अकाउंट है, और जब मैं इनको मिक्स करके और ये अब एक जो अकाउंट मेरे पास आ गया ये बन गया मेरा फ्लक्चुएटिंग में, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट इसमें नहीं बनेगा। क्वेश्चन में अगर ना दिया हो कि भैया कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको हिंट लेनी होती है, कहीं पर वो फिक्स्ड की बात कर दे, कहीं पर वो करंट अकाउंट मेंशन कर दे, तो वहाँ पर हमारे को वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, एक्सप्लिसिटली नहीं बोलेगा, इम्प्लाइड है वहाँ पर, हिंट दे रहा है हमें कि यार यहाँ पर फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है, अदरवाइज हम फ्लक्चुएटिंग लेते हैं, हम जजमेंट में नहीं पड़ते, हम दो अकाउंट ऐसे ही डब्बे बनाने में हमें इतनी मौत पड़ती है और कहाँ दो अकाउंट बनाए, नहीं करेंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे डिफरेंस पे, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में नंबर ऑफ अकाउंट दो हैं, इसमें एक है, उसमें करंट एंड कैपिटल दोनों, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। इसमें कैपिटल कैसे चेंज होती है, इसमें कैपिटल चेंज अनचेंज रहती है नॉर्मली थ्रू आउट द ईयर अनलेस अनटिल एडिशनल कैपिटल हो या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, और इसमें जो है वो चेंज होती रहती है पीरियड टू पीरियड। क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कैपिटल का हमेशा आपका क्रेडिट ही दिखाएगा और करंट का दोनों हो सकता है, इसमें दोनों हो सकते हैं बट जनरली क्रेडिट दिखाया जाता, मतलब जनरली क्रेडिट आता है। एडजस्टमेंट्स, इसमें जो सारी अप्रोप्रिएशन हैं वो करंट अकाउंट में की जाती हैं, इसमें तो एक ही अकाउंट बनता है तो वहीं पर करनी पड़ेगी थक हार के, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम डिफरेंस पढ़े कैपिटल में एंड करंट में, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी, भैया तीन तीन नंबर के क्वेश्चन गलत हुए हैं बच्चों के अकाउंट्स में जो फुल आते आते रह गए, आधा एक नंबर कट गया, रेशियोज का एक क्वेश्चन आया था, थ्योरी क्वेश्चन समझ ही नहीं आया था बच्चों को। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड बोथ इन फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, और ये सिर्फ करंट अकाउंट फिक्स मेथड में बनाया जाता है। इसका सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आ सकता है अंडर फिक्स्ड मेथड, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में दोनों आ सकते हैं, और इसके तो दोनों ही पॉसिबल हैं। नेचर क्या है इसका, कि जब भी एडिशनल कैपिटल आएगी तो ये बढ़ेगा और जब भी विड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगा तो ये कम होगा, ये अप्रोप्रिएशन से ही चेंज होता है, समझ गए बात के नहीं समझ गए। उसके अलावा एडिशनल कैपिटल और विड्रॉइंग्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ट्रांजैक्शंस, इसमें वही आती है जो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट करी हो पार्टनर ने या वो ले गया हो, बस वही, इसमें सारी अप्रोप्रिएशंस, कमीशन, आईओसी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये थ्योरी टोटली क्लियर हो चुकी है, बहुत जल्द हम प्रैक्टिकल पे जाने वाले हैं, बहुत जल्द के अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले भैया एडू कैप्टन के प्रीमियम कोर्सेज लाइव हैं, डू चेक आउट कौन सा चल रहा है और जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब करो और बेनिफिट का फायदा उठाओ। बेनिफिट में क्या आता है, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, एग्जाम स्पेसिफिक एआई मॉक टेस्ट, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स, उसके बाद डाउट सॉल्विंग फैकल्टी, कोई भी डाउट है 24/7 आपको एक नंबर अलॉट कर दिया, इस पे करो, डाउट पोर्टल है भैया, जितने भी आपके अंडरग्रेड लेवल पे एंट्रेंस आप सबकी तैयारी बाय द बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट मेंटरशिप आपको दी जाती है। और सबसे बड़ी बात भैया 5 डेज मनी बैक गारंटी जो ऑफर चल रहा है, मतलब यार ये तो सोने पे सुहागा है, मज़ा ही आ जाता है ये तो सुन के यार। तो 5 डेज मनी बैक गारंटी है कि आप पैसा दो, एनरोल करो, नहीं पसंद आए 5 दिन में एनालाइज करो, नहीं पसंद आया तो पैसा वापस मांग लो, कोई शर्म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिजल्ट्स हर बारी की तरह हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, AIR1 CUET 2022 IPMAT 13 24 37 30 प्लस शहीद सुखदेव 30 प्लस SRCC सारे टॉप कॉलेजेस, नारसी मुंजी क्राइस, ये वो सारे टॉप कॉलेजेस में आपको एडू कैप्टन के बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ कैपिटल, आ लो तो ये देखो डब्बे में पहले से बना के आया हूँ, ढोलू बोलू आर बैक, कृपया इनका स्वागत करिए। और सबसे पहले हम बनाएंगे PNL अप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के लिए अप्रोप्रिएशन बनाना भी जरूरी है। तो ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, और मेरा ना एक आदत रही है कि मैं साइमल्टेनियस चलाता हूँ चीज़ें, ठीक है। अब ये देखो ये मैं कर रहा हूँ कौन से मेथड से करें, ये फिक्स्ड मेथड से करते हैं, और फिर एक क्वेश्चन इसी को हम फ्लक्चुएटिंग से भी करेंगे, अगले वाले को फ्लक्चुएटिंग से कर लेंगे। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल, ये हो गया आपका डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पर डेट, ये पर्टिकुलर, ये ढोलू, ये बोलू, फिर डेट, पर्टिकुलर, फिर ढोलू, फिर बोलू, फिर
अगेन पार्टनर्स करंट डेबिट क्रेडिट डेट ओहो डेट एक तो ना डॉक्टर वाली राइटिंग ना मुझे ना परेशान कर देती है। डेट पर्टिकुलर ढोलू बोलू डेट पर्टिकुलर ढोलू एंड बोलू। ठीक है, तो हमारे फॉर्मेट टोटली तैयार है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, रीड करते हैं। सबसे पहले तो भैया ढोलू और बोलू आर पार्टनर्स विद कैपिटल 60,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में सेम क्वेश्चन किया हुआ है। 24,000 उनका प्रॉफिट था फॉर द ईयर और भोलू की जो सैलरी थी वो 6,000 थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 6%, तो 6% हो गया आपका 60,000 का 3600 और उसका हो गया 6 × 12 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 5%, ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ 60,000 4,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें दे दिया 200 एंड 100 रुपये। चलिए तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर बाय पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हमें प्रॉफिट देखना है 24। क्या 24 से क्या सीधा डाल दें या कोई चार्ज वाली आइटम है? चार्ज वाली आइटम में चार चीज़ें मैंने आपको बोला था। एक तो हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, नहीं है, ठीक है, उस पर वो तो इनकम होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर नहीं है, मैनेजर कमीशन नहीं है, रेंट टू पार्टनर भी नहीं है। तो दैट मीन्स हम ये 24,000 एज इट इज़ डाल सकते हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी, कहाँ पर है? सबसे पहले उनके पार्टनर्स कैपिटल भी डाल देते हैं विद पार्टनर्स विद कैपिटल 60 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस बीडी, इसका आ गया 60,000 एंड इसका आ गया 20,000। उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ बोल रहा है वो। भोलू को सैलरी मिलेगी तो यहाँ पर आ जाएगा टू भोलूस कैपिटल, बोलूस कैपिटल ब्रैकेट में हम लिख देंगे सैलरी और यहां पर आ जाएगा 6,000 पर एनम। और आप देखो साइमल्टेनियसली, क्योंकि अकाउंट्स में टाइम बजाने की बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप साइमल्टेनियस चलो, इससे बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर कहां पर आएगा? करंट अकाउंट में आएगा, बिल्कुल ठीक। हम यहां पर डाल देंगे क्योंकि ये उसके हमने उसको देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ानी है तो क्रेडिट में। तो यहां पर आ जाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, यहां पर भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी और ढोलू को तो मिल नहीं रही, भोलू को मिल रही है, तो 6,000 यहां पर आ गया। मूविंग ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड एट द रेट 6%, तो 60,000 और 20,000 और ये ओपनिंग कैपिटल भी है आपकी, तो 60 और 20, सॉरी मैं डेट डालना भूल गया इसमें, ये हो गया आपका 2017 1 अप्रैल, ठीक है, यहां पर भी आ गया। ये देखो ये हमेशा हमेशा लास्ट डेट पे मिलती हैं जितने भी अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए, तो पहली डेट मत डाल देना गलती से भी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हो गया तो यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में आ गया आईओसी, क्या आ गया आईओसी, यहां पर आ जाएगा आपका ढोलू, यहां पर आ गया भोलू और ढोलू को मिलेंगे 6%, 60,000 पे हो गया आपका 3600 रुपये और उसका हो गया आपका 6% 20,000 पे, तो ये हो गया 1200 रुपये, 4,800 आपका यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर हम डाल भी देते हैं 31 मार्च, अगेन बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन और ब्रैकेट में आईओसी, इसका था 3600 और इसका हो गया 1200, ठीक है। तो एक याद करने की टेक्निक ये भी होती है कि जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा वो पार्टनर्स के करंट या कैपिटल में क्रेडिट में आएगा, 100% होता है ये, ठीक है। और ये जो यहां पर आएगा वो उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा। जैसे अगला ही है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो यहां पर आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल, अभी तक हम उतना कर रहे हैं तो वो भी बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख लेते हैं, फिर ऐसे ना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहां पर डालते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिख लेते हैं आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ढोलू का कितना कटेगा, भोलू का कितना कटेगा, 200 100, तो ये हो गया आपका 300, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब भी आप आईओडी डाल रहे हो और आपको ड्रॉइंग्स की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो भी उसी वक्त डाल लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, आप देख सकते हो तभी इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता तो ऊपर चला जाता और इंटरेस्ट भी चार्ज ना करते। तो यहां पर आ जाएगा 31 मार्च, तो यहां पर डाल लेते हैं हम टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब आप देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आया था तो यहां पर कहां आ रहा है, डेबिट में 200 और 100,
और डेट दे रखी है ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स पर नहीं दे रखी, तो उसकी डेट नहीं डालते हम, क्योंकि लास्ट डेट हम डाल नहीं सकते, फिर इंटरेस्ट कैसा बनेगा। तो वैसे तो नॉर्मली माना जाता है कि जब डेट ना दियो तो बीच में मानते हैं, क्योंकि हमने जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करा तो हमने पढ़ा था कि 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो अभी के लिए हम इसकी डेट छोड़ते हैं, सिर्फ इतना डाल देते हैं टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। अगर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता यहाँ पर आता टू बैंक, ड्राइंग्स वर्ड नहीं यूज़ होता, याद रखना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में। तो ये कितनी है आपकी, ये है 6,000 एंड 4,000, ये है आपकी 6,000 एंड 4,000 रुपये। ठीक है, आई गेस उसके बाद सब क्लियर है, सारी अप्रोप्रिएशन हमने सॉल्व कर दिया, सैलरी हो गया, IOC हो गया, IOD हो गया, वो तो सीधा ही हो गया, और 6,000 4,000 भी डाल दिया। अब बचा हुआ प्रॉफिट हम दे देते हैं भैया, 6 4 10, 24 में से 10 गए, बच गए 14,000 रुपये, और ये 14,000 में से 500 जाएंगे, यहीं पर मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, ये आ जाएगा 13,500, 24,300 है ना, और 24 में से 10 गए तो 14,300 और ये आ गया 13,500, और हमें PSR कहीं पर भी नहीं दे रखी, तो डिवाइड बाय 2 तो ये आ जाएगा 6, बच गए आपके 1 और 7 5 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बोलूज कैपिटल 6750 इसको, 6750 इसको, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13,500, यहाँ पर आ गया फिर आपका 24,300 और 24,300। चलो भाई, एक का स्यापा हमारा ख़त्म हुआ PNL अप्रोप्रिएशन का। अब चलते हैं यहाँ पर, इनको दे देते हैं हम इनका प्रॉफिट शेयर बाय PNL अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में आ गया प्रॉफिट, इसका था 6750 और 6750। तो आप देख सकते हो पार्टनर के कैपिटल में कुछ भी नहीं आया, तो बस एज इट इज़ इसका 31 मार्च को जो है 2018 को अकाउंट क्लोज करके यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एज इट इज़ 60,000 और 20,000, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 60,000 और 20,000, 60,000 and 20,000। ठीक है जी, और इसका भी अगर हम निकालेंगे 31 मार्च टू बैलेंस CD, तो 6, 7, 8, 9, 9 में से 6 गए तो बच गए 3, 3 में से 600 में से 200 गए 400, 4,150, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एक बारी प्लीज़ चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है 4,150, हाँ यही आना चाहिए 2,300, और इसका आ जाएगा 6, 6, 12 और 1, 13, 13 में से 4 गए बच गए 9,850, फिर इसका टोटल लिख देंगे हम 6, 7, 8, 9, 10,350, और यहाँ पर आ जाएगा 9 और 4 होते हैं 13, 13,950। ठीक है जी, तो ये पूरा सिस्टम होता है आपके पार्टनर्स कैपिटल का, और ये अभी हमने किससे करा है, ये हमने करा है फिक्स से। अगर इसी क्वेश्चन को फ्लक्चुएटिंग से करना होता तो भैया कैसे करते हैं? ठीक है, अभी मेरे पास एक्स्ट्रा फॉर्मेट तो नहीं है, वो दूसरे क्वेश्चन का है, जो आप लोगों ने करना है मैं नहीं करूँगा, पहले सुन लो। ठीक है, चलो इस पर हम बना लेते हैं उसका, इस पर हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि अब देखो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कौन से मेथड से बना रहे पार्टनर्स कैपिटल, और कहीं पर हिंट भी नहीं दी, कहीं पर ना वो यहाँ पर क्वेश्चन पे लिख देते डोलू एंड बोलू आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल, तो वहाँ पर उसने फिक्स्ड यूज कर दिया, तो हमें समझ आ गया कि ये फिक्स्ड मेथड की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कोई ऐसी हिंट नहीं दी हुई है, तो हमारी अजम्पशन क्या होती है कि फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि हमें झंझट में पढ़ना ही नहीं है। तो उस केस में अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर ढोलू बोलू, डेट पर्टिकुलर ढोलू बोलू, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस BD बाय, भी लिखना है कहीं जगह बोलते हैं कहीं जगह नहीं बोलते, बट अब कंपलसरी नहीं रहा, और बैलेंस थे उनके 60,000 और 20,000, तो 60,000 एंड 20,000। ठीक है,
उसके बाद आई गेस उसे वो मिली थी सैलरी बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में आ जाएगा सैलरी, और 6000 उसे सैलरी मिली थी, और ये मिली थी 31 मार्च 2018। उसके बाद 31 मार्च को बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन के नाम पे उन्हें आईओसी भी मिला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3600 इसका था और 1200 इसका था। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट था तो 2018, लेकिन डेट नहीं पता तो यहाँ पर लिख लेंगे टू ड्राइंग्स, और इसकी थी आपकी 6000 एंड 4000। जी हाँ हाँ यार, वैल्यूज मेरे को याद रहेगी यार, फोटोग्राफिक मेमोरी लग रही है मेरी अब है। और यही 31 मार्च को आपका आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में आ गया आईओडी 200 और 100। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयर भी था 31 मार्च बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में आ गया प्रॉफिट, तो ये आ गया 6750। अब जब हम बैलेंस निकालेंगे, अब आप देखना एक चीज होगी, एक जादू होगा, ध्यान से देखना। टू बैलेंस बीडी, बैलेंस क्या आएगा 60 63 63 प्लस 6 हो गया 69 69, माइनस 6 हो गया 63 63, और ये 600 में से 200 कटेंगे तो ये आ जाएगा 463 64150। क्या आ गया है 64150। यहाँ पर देखें हम 20 26 26 32 33 33 में से 4 गए, ये आ गया आपका 29 29, और ये 850 29 850। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे बैलेंसेस आए थे 60 इसका आया था 4150, तो 64150, इधर भी 64150, 20 और 29 850 29 850। तो मैंने आपको पहले बोला था वो क्लब कर देगा, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था ना हवा में, वो क्लब कर देगा बस। यहाँ पर अब आपका टोटल क्या बन गया 64, ये हो गया 70 70 350 एंड 70 350, और यहाँ पर बन जाएगा आपका 29 और 33 950। टोटल भी क्लब ही हुए आपके सामने, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी गेम समझ में आ गई है कि ये भैया चीज़ क्या है। जब फिक्स मेथड था तो दो अलग अलग चीज़ हो गई, ठीक है जी, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग मेथड था तो हमने उसे क्लब कर दिया। और पता कैसे चलेगा फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, एक्सप्लिसिटली दे देगा, हिंट दे देगा, नहीं तो एजम्पशन तो है ही है फ्लक्चुएटिंग की। तो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा, और भैया जो नेक्स्ट की दो क्लासेस है ना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एवरी ईयर उसका क्वेश्चन आता ही आता है, पिछले कई सालों से तो मतलब आ ही रहा है। एक हो गया पास्ट एडजस्टमेंट, हर बार ही आता है, और एक हो गया आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेक श्योर टाइम पे आ जाना भैया, संडे की क्लास है 4 बजे अकाउंट्स की, मंडे की दोबारा अकाउंट्स की 4 बजे, टाइम पे क्लासेस आपको डल जाएंगी, पेन और पेपर लेकर हाथ में तैयार हो जाना, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है आपके पूरे चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड पीयर्स सो दैट उनको भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।